और हम लोग काफी एंजॉय करने वाले हैं हफ्ता 10 दिन। वेलकम टू शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सरस्वती इधर आ जाइए, कहाँ क्या कर रहे हो आप? मैं पिक्चर ले रही थी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो कहाँ जा रहे हैं सरस्वती? हम जा रहे हैं कैफे। कैफे आज हम फिर से पुराने वाले कैफे। शाम का टाइम है फ्रेंड्स, और ये ब्लॉग मंडे का ही है। आज सावन का चौथा सोमवार है। मुझे तो कुछ खाना पीना नहीं है, दिनेश जी को भी नहीं खाना पीना है, लेकिन सरस्वती का मन कर रहा था कहीं घूमने का, तो पापा बोले चलो घुमा के लाते हैं। तो ब्लॉग को शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। yes. और ये रहे दिनेश जी। और चलिए चलते हैं पिनेकल मॉल। आप सबको अब तक तो पिनेकल मॉल, विवास मॉल अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हैं। तो पिनेकल मॉल मेरे घर के बगल वाला है, वही जा रहे हैं और हो चुका है अंधेरा। सरस्वती कहाँ है? इधर है। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स पहुँचते हैं मॉल। I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid. Anymore, I know you haven't noticed. कुछ खा लेना? नहीं आज नहीं। आज मैं सिर्फ ड्रिंक पीने आई हूँ। ये ना मोस्टली खाने के लिए नहीं आती है, सिर्फ ड्रिंक पीने के लिए। मुझे खाने में इंटरेस्ट नहीं, बस यहाँ बैठना अच्छा लगता है। यहाँ शांति है, यहाँ शांति है। ज्यादातर हम लोग आ जाते हैं, ये जी ऑफिस से आते हैं, जब भी हम फ्री होते हैं ना तो आ जाते हैं, बस एक कप चाय पी के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ बैठते हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, स्टार्टिंग से ही, जब से हम लोग यहाँ द्वारका में आए हैं ना, स्टार्टिंग से ही यहाँ बहुत पुराना मॉल है। ये घर के बिल्कुल पास में है, ज्यादातर इवनिंग टाइम हम लोगों का यही बीतता है। आज खा लो, उस दिन नहीं खाई थी। तो आई जस्ट हैव कॉर्न, हां देन आई हैव अ ड्रिंक विद इट। हां रेगुलर मसाला क्या नॉर्मल होते हैं? मसाला नॉर्मल, स्पाइसी नहीं, थोड़ा स्पाइसी कर दीजिए ना। सुनो मस्त है। और यहाँ पे आके जैसा कि आप सबको पता है मुझे तो कुछ खाना नहीं था, दिनेश जी ने चाय लिया था। और सरस्वती ये देखिए अभी स्माइल कर रही है, लेकिन बहुत गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसको कुछ भी खाना नहीं था, बस ड्रिंक्स लेना था। बट मैंने उसके लिए फ्राइज ऑर्डर कर दिए थे और उसको बिल्कुल नहीं खाना था, लेकिन मुझे लगा जो रात को सिर्फ कॉर्न खा के और ये कोल्ड कॉफ़ी पी के कैसे रहेगी, उसको भूख लग जाएगी। और कैमरे में तो वो हंस रही है लेकिन बहुत गुस्सा हो रही थी मुझ पर। सरस्वती ने तो डिनर कर लिया है और मैं और दिनेश जी एप्पल खा लेंगे। तो कुछ कुकिंग नहीं करना है फ्रेंड्स, बस घर जाके चेंज करेंगे और रिलैक्स होंगे। और मिलती हूँ फिर मॉर्निंग में। यहाँ पर पैन में मैंने सरसों का तेल ले लिया है। पहले इसमें भिंडी को ऐड करेंगे और थोड़ी देर तक भिंडी को फ्राई करेंगे और निकाल लेना है। आज मैं आप सबसे झटपट और क्विक भिंडी की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, जो किड्स लंच बॉक्स या ऑफिस लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट आइडिया है। तो ये देखिए, भिंडी को फ्राई करके निकाल लेने के बाद मेथी, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च का तड़का ऐड कर देना है। तड़का जब क्रैकल हो जाएगा फिर आलू ऐड कर देंगे। तो हाफ के जी भिंडी था, 2 मीडियम साइज के आलू के छोटे छोटे पीसेज मैंने कट कर लिए थे, छिलका हटा के उसको ऐड कर देना है। नमक हल्दी के साथ आलू के 90% तक पकने तक पका लेना है। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है फ्रेंड्स, मैं सरस्वती के लिए लंच तैयार करने लगी हूँ। आज उसको मैं भिंडी आलू का भुजिया और पराठा लंच में पैक करूँगी। तो आलू जब 90% तक पक गया था तो खूब सारा मैंने लहसुन हरी मिर्च को फ्रेशली क्रश करके ऐड कर दिए थे, अच्छी तरह से भून लिया था हाफ मिनट तक। फिर एक बड़े साइज के प्याज को बारीक कट करके ऐड कर दिए, एक टमाटर ऐड कर देना है बारीक कट करके, लाल मिर्च पाउडर और मैगी मसाला मैजिक, बस ये सारी चीज़ें ऐड करके एक बार मिक्स कर लेना है। भिंडी ऐड करेंगे, अगेन एक बार मिक्स करेंगे और ढक के भिंडी के पूरी तरह से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो अगर भिंडी पहले से कट करके रखी हुई हो तो 10 मिनट में ये नाश्ता तैयार हो जाता है। बहुत ही क्विक भिंडी की सब्जी की रेसिपी है फ्रेंड्स, और खाने में बहुत मजे का लगता है।
तो यहाँ पर मैं पराठा सेकने लगी हूँ, तिकोना पराठा मैं सरस्वती के लिए सेकने लगी हूँ। ये वाला पराठा सरस्वती और दिनेश जी दोनों को बहुत पसंद है, खास करके भिंडी भुजिया के साथ। तो ये है आज का सरस्वती का लंच, भिंडी भुजिया, दो पराठा पैक कर दिए हैं, साथ में फ्रूट लंच में है कीवी। और हमेशा मैं फ्रूट लंच में एक टूथपिक रख देती हूँ ताकि फ्रूट खाने में आसानी हो। और पराठा को अभी मैं रैप करूँगी फ्रेंड्स फॉइल पेपर में, आप सबसे शेयर करना था इसीलिए ऐसे रखा है मैंने। और ये वक्त है इवनिंग का फ्रेंड्स, तकरीबन 4:15 हो रहे हैं और सरस्वती के सर आ चुके हैं। आज मुझे किट्टी में भी जाना है, दिनेश जी का मैं वेट कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, और ये वक्त है इवनिंग का, तकरीबन 4:00 हो रहे हैं और मैं जाने लगी हूँ किट्टी में। एक्चुअली मैं मंडे इवनिंग से मैंने ये वाले ब्लॉग की शुरुआत की थी, लेकिन ट्यूसडे को मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई। ट्यूसडे को मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो कोई क्लिप नहीं बनाई थी। फिर आज सुबह वेडनसडे सुबह से मैं शुरुआत की हूँ ब्लॉग की। तो इस बार मंडे और वेडनसडे दो दिन का ब्लॉग जाएगा, बीच में ट्यूसडे का गायब है फ्रेंड्स। सुबह तो मैंने आप सबसे शेयर किया था जो सरस्वती का टिफिन बनाया था, भिंडी का भुजिया पराठा, वही दिनेश जी भी लेके चले गए थे। और कल मैंने पाव भाजी बनाई थी जिसकी क्लिप नहीं बनाई थी, भाजी पड़े हुए थे। तो दिन में आज हम लोगों का जुगाड़ू वाला खाना हुआ था, वही भाजी था, साथ में पराठा बना लिया था, थोड़ा सा भिंडी भुजिया भी बचा हुआ था, तो वही हम लोगों का खाना हो गया था। तो उसकी भी कोई क्लिप नहीं बनाई, लेकिन थाली का शॉर्ट्स मैंने बना लिया है, शॉर्ट्स जरूर जाएगा फ्रेंड्स। तो अभी बज रहे हैं 4:00, आज हमारी किट्टी भी है, आज संभवी भी आने वाली है, बहुत बिजी डे होने वाला है हमारा। बिजी डे नहीं, डे तो ठीक ठाक ही था, शाम से बिजी होने वाला है क्योंकि अभी जाऊंगी किट्टी में और किट्टी के बाद फिर जाऊंगी संभवी को लाने के लिए एयरपोर्ट। और वहां से बच्चों का प्लान है, यहां थोड़ा अंधेरा आ रहा है, और वहां से बच्चों का प्लान है जो कैफ़े जाएंगे, थोड़ी देर पूरी फैमिली बैठ के गप सप लड़ाएंगे। खाना तो घर में ही खाएंगे, लेकिन वहां जाके कोई ड्रिंक लेके थोड़ी देर हम लोग रिलैक्स होंगे, बातचीत करेंगे। तो शाम से बहुत बिजी होने वाला है हमारा। वैसे तो घर में जब सर होते हैं तो मोस्टली मेरा किट्टी लेट ही हो जाता है। आज दिनेश जी ऑफिस से आ गए हैं तो टाइम पे मैं किट्टी जा पा रही हूँ, नहीं तो सर आते हैं हमारे घर इस टाइम तो किट्टी थोड़ा समय लेट ही जा पाती हूँ। तो आज मैं बिल्कुल टाइम पे हूँ। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं किट्टी, वहाँ से फिर घर आऊँगी, घर आके फिर जाऊँगी एयरपोर्ट, फिर जाऊँगी कोई कैफे। तो यही सब रूटीन आप सबसे शेयर करूँगी। और इस बार फ्रेंड्स मंडे और वेडनेसडे दो दिन का मिक्स ब्लॉग जाएगा। तो फिलहाल तो चलते हैं किट्टी में, आप सभी चलिए फ्रेंड्स घुमा के लाते हैं अपने फ्रेंड के घर। आज मेरी फ्रेंड मिथिलेश के घर किट्टी है, ये वाला सूट पहना है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसका हॉल मैंने आप सबसे शेयर किया था। तो काफ़ी देर किट्टी में आए हो चुका है फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्नैक थोड़ा बहुत खा लिया है और अब चल रहा है तंबोला का दौर। और ये देखिए तंबोला स्टार्ट करने से पहले सब मुँह मीठा कर रहे हैं। हमारे किट्टी में ये परंपरा है, ताकि मुंह मीठा करके खेलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसे जीतेंगे, बस मस्ती मजाक का एक पार्ट है फ्रेंड्स। 1111 7676। और मिथिलेश को हम लोग जिज्जी भी बोलते हैं, तो जिज्जी ने बहुत मजे के आइटम्स बनाए थे, पकौड़ा बहुत मजे का बना था, और खास करके जिज्जी के हाथ का आलू पूरी तो औसम होता है। हम पूरी सोसाइटी वाले जितने भी किट्टी के मेम्बर हैं ना, जिज्जी के हाथ के आलू पूरी के तो फैन हैं। ये है दिल्ली का टर्मिनल 1 एयरपोर्ट, यहीं पे सामवी की आज फ्लाइट आने वाली है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और थोड़ा जल्दी ही पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। तो अब काफी देर तक मुझे है तो बैठने के लिए जगह बना हुआ है, इतना बुरा भी नहीं है। तो काफी देर तक हमें वेट करना पड़ेगा, सरस्वती के मास्क में खराबी आ गई है, गड़बड़ हो गया है, तो बार बार खुल जा रहा है, एक साइड का ना कुछ ढीला हो गया है। Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay, or take myself every single day. You slip my mind. आ चुकी है सांभवी, कहाँ है? हेलो करो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग?
आवाज को इग्नोर करना फ्रेंड्स, और हम लोग काफी एंजॉय करने वाले हैं। आपका तस्वीर देखिए, इस लोगों ने बहुत सारा खाना बनाया है, तो हम खाना खाएंगे जाके। और यहाँ आके हम लोगों ने अपना फेवरेट ड्रिंक चिली गुआवा लिया था, और थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया था, बच्चों ने चिकन टिक्का भी लिया था। काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहे थे, अपना मिड टाइम हम लोगों ने एंजॉय किया था, और फिर हम लोग वापस घर की ओर चले गए थे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक का, और मिलती हूँ फिर एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थोड़ा सा ब्लॉग एक दो दिन लेट जा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है। बाय बाय, टेक केयर। इवन इफ यू ट्राई यू वुडंट।